कटनी से एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद में बड़े भाई और भतीजे ने छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना कटनी के बिलगवा गांव की है, जहां संजय पटेल का अपने बड़े भाई ओम प्रकाश पटेल से संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 22 अप्रैल को दोनों भाइयों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी और दोनों आपस में झगड़ने लगे। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि ओम प्रकाश ने अपने बेटे रिंकू के साथ मिलकर संजय के ऊपर धारदार हथियार के साथ जानलेवा हमला कर दिया। इस जानलेवा हमला में संजय को गहरी चोटें आईं, जिस कारण उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। इनकी जी थाना अंतर्गत ग्राम बिलगवा में संजय प्रकाश पटेल को उसके बड़े भाई ओम प्रकाश पटेल एवं भतीजे अभिषेक पटेल द्वारा हसिया से एवं पांचे से मारपीट कर प्राण घातक चोटें पहुंचाई गई, जिस पर से हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर थाना प्रभारी इनके जी सिद्धार्थ राय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सी आरोपी को हिरासत में ले, तो जिस पर से थाना प्रभारी द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।